यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के बारे में। इस वर्ष देश स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मना रहा है। 200वीं जयंती के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री साल भर चलने वाले एक समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस समारोह का आयोजन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से किया जाएगा। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के काठियावाड़ जिले के टंकारा गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था तथा ये एक समाज सुधारक थे। दयानंद सरस्वती ने 1875 में सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने सामाजिक सुधारों और शिक्षा पर जोर दिया था। इस संस्था ने देश की सांस्कृतिक एवं सामाजिक जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दयानंद सरस्वती जी ने संस्कृत में सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ भी लिखा था। इसके साथ ही स्वामी जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा एवं कर्मकांडों का विरोध भी किया। इनके शिष्य लाला हरदयाल ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। वहीं एक और शिष्य श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।